गैज आप सबको भी पता होगा, इससे पहले ही कि एक अपडेट आया था RBI के द्वारा, जिस अपडेट में बताया गया था कि अभी आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस UPI से ही ट्रांसफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि RBI का ही गाइडलाइंस है। अभी फिलहाल में मार्केट में बहुत सारा एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड से मनी ट्रांसफर करने के ऊपर चार्ज ले रहा है। कोई कोई एप्लीकेशन तो 1% लेता है, तो कोई कोई 2%, कोई कोई 4-5% भी ले लेता है। अगर हम सबको इमरजेंसी रहता है तो हम लोग इमरजेंसी के तौर पर अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को यूज कर लेते हैं पर्सनल वर्क में भी। लेकिन इससे पहले एक और अपडेट आया था, जिस अपडेट में बताया गया था कि आप सब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को यूज नहीं कर सकते हैं, और यूज ना करने की स्थिति में बहुत सारा बैंक क्या किया था, लिमिट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी उनका कहना यह था कि आप सब मंथली में 10,000 या तो आप 20,000 ही यूज कर सकते हैं। अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम था, लेकिन फिर से RBI ने एक अपडेट दिया जिस अपडेट में बताया गया था कि अभी आप सब डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को UPI के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत बैलेंस की जरूरत है या अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, अपना क्रेडिट कार्ड को पर्सनली यूज करते थे एमपोस मशीन में, फिर जाकर हम लोग कोई प्रोडक्ट को ले पाते थे। लेकिन नहीं, अगर आपको जैसे कि मान लीजिएगा आप कहीं मॉल में गए हैं या कोई मान ली दुकान पे गए हैं, अगर आप वहां पे कोई QR कोड अवेलेबल है, कोई भी QR कोड अवेलेबल है, तो अगर आप उससे स्कैन करते हैं पेमेंट करेंगे ना, तो आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी उधर पेमेंट सेटअप करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन आएगा, वो आप उधर से सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट आप कर दीजिए। तो सो गाइज, सेम प्रोसेस अभी आपको Amazon वॉलेट में भी आ गया है। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको Amazon वॉलेट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको आप पता होगा कि मोबाइल नंबर डालना है, एक ईमेल आईडी से आप या तो मोबाइल नंबर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर कंपलसरी आप डाल ही दीजिएगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फुल KYC कर लेना है। फुल KYC जैसे आप करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, पहले आप ये जान लीजिए। जैसे आप फुल KYC Amazon वॉलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर चेक हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन के थ्रू CIC का Amazon क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, साथ में Amazon का गिफ्ट वाउचर को परचेज कर सकते हैं, साथ में Amazon वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू एड मनी भी कर सकते हैं। यानी ये सब फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूं कि अगर लाइफ में अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि बहुत सारा वॉलेट अभी फुल KYC है, उनको UPI के थ्रू डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर हो रहा है, बट कभी कभी किसी किसी को अभी अपडेट नहीं दे रहा है। यानी बहुत जैसे कि 100 में से 99% को नहीं दिया है, 1% को भी आपको ये फैसिलिटी इंक्लूड कर दिया गया है उनको वॉलेट में। और खास तौर पर जो बीटा वर्जन ज्वाइन किया है ना, उनको UPI के थ्रू मनी ट्रांसफर हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी अपना Amazon वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से लोड मनी कर लीजिए, और जितना भी बैलेंस आपके Amazon वॉलेट में रहेगा, उस बैलेंस को आप डायरेक्टली UPI के थ्रू अपना बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली Amazon का बैलेंस को अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी वो बैलेंस हम लोग कहां से लाए थे, क्रेडिट कार्ड से लोड मनी किए थे, और उस बैलेंस हमको कैसे ट्रांसफर किए, UPI के थ्रू किए। सो गाइस, ये अपडेट आ चुका है। अगर आपके वॉलेट में अपडेट आ गया है, तभी आप फुल KYC एक्टिवेट करके रखें पहले से, तो आपको आ भी गया होगा। फिलहाल मेरे में नहीं आया है, मेरे दोस्त में आया है, तो मैं सोचा कि चलो आप सबको बता दिया जाए। अगर आप सभी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड का पर्सनली, तभी आपको फ्री में हो जाएगा। अगर आपको Amazon वॉलेट फुल KYC रहेगा, तो आप 1,00,000 तक मनी विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको मिनी KYC रहेगा, मिनी KYC मत कीजिएगा, मिनी KYC में 10,000 ही लिमिट रहता है, ठीक है। हो सकेगा तो आप फुल KYC कर लीजिए। फुल KYC करेंगे आपका लिमिट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, और आप सब अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड बैलेंस को भी यूज कर सकते हैं। चाहे शॉपिंग में कीजिए, मॉल में कीजिए, कहीं भी करना है कीजिए, चाहे मनी ट्रांसफर कीजिए, वो भी आप सब कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, सेम अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं कीजिए। यानी आपके नाम से क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए, और आपके नाम से अगर बैंक अकाउंट है, तो आप उसमें मनी ट्रांसफर मत कीजिए, तो आपको बाद में हो सकेगा तो कभी भी आपके अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी अपना सेम अकाउंट मनी ट्रांसफर नहीं कीजिए। अपने भाई में कर लीजिएगा, वाइफ में कर लीजिएगा, मम्मी पापा में, किसी में भी मनी ट्रांसफर कर लीजिएगा, फिर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सो गाइस, यही अपडेट आया था, तो सोचा कि आप इसको बता देना। जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।